आपकी ईर्ष्या गजल के साथ थी, वो तो असल खैर बस आए, बस में मुझे ही लगता है कि ईर्ष्या एक स्क्रीन तो ऐसे जिंदा हो जाती थी ईर्ष्या एक जैसे। गजब की अदाकारा हाँ है, ईर्ष्या एक एक्टर है इन रियल सेंस ऑफ द वर्ड। और वो जो एक चुंज लगी और वो सारा वो एक लुत्फ था, मतलब हम ईर्ष्या को देख के सीखने वालों में से हैं। मुझे याद है जब मैंने आंगन किया और ईर्ष्या वॉज प्लेइंग माई वाइफ, तो मैंने ईर्ष्या को कहा, मैं कह ईर्ष्या तुसी तो भाजी हो, गोश्त तो कीमा लैदा तो हड्डियां लैदा, साढ़े ना तो तुम यह कर दो, हाँ मतलब ऐसी परफॉर्मेंस होती है कि दूसरे के पास क्या बचे। लेकिन उसके अंदर में भी बड़े अच्छे हमारे सीन गए। लेकिन अगर ईर्ष्या है और आपको, तो फिर आपको आपको जमे रहना है, आपको तगड़े रहना होगा और मजा आया। हाँ अच्छी बात यह कि ऑडियंस ने जो ये किया, बहुत लेकिन ये ज्यादा मैं आपको फिर बता दूं कि वजाहत बिफोर द शूट, बिफोर द डे वन न्यू के ईर्ष्या और आशिक के दरमियान क्या है, हाँ और कहीं ना कहीं शायद उसकी ये ख्वाहिश भी थी कि पता नहीं, याद है आपको एक सीन में उसने कहा कि वो अपना इफ़त आशिक हुसैन, मैंने को साहब लगाया है कि अगर ये होता तो मेरी शादी होती, ओए होए, तो ये तो मेरे खाते में पड़नी थी। तो हाँ वो कहीं ना कहीं उनका एक था कि हाँ शायद ये हाँ इसलिए वो नहीं हो सका कि दोनों एक जगह बयानी थी, तो यही हाँ उसने रीजन भी बिल्कुल बताया। बिल्कुल तो शायद वो एक लव हेट के अंदर एक एक वो एक भी हाँ था जो बहुत ही कहीं हाँ गैर महसूस हाँ तरीके से अच्छा, एक था। टॉक टू द हैंड स्क्रिप्ट में था या डाला ये मे ये मेरा क्रेडिट है, गया दिस इज, ये मैंने ईर्ष्या को कहा, ये माधुरत के साथ, माफी के था? साथ, क्योंकि ये जो है ना, इसका आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इफ्तखार ठाकुर साहब को। वो हसबे हाल में कहते हैं, वो जो आते हैं ना बन के, टॉक टू माई हैंड। टॉक टू द तो हैंड। मैंने उसको कहा कि तुम ट्राई करके इससे ये कहो टॉक टू माई हैंड, तो उसने जब कहा तो मैंने आगे से कहा कि फिर ये बन ये, तो वो हाँ, एक अच्छा वो हुआ। वो लेकिन इफ्तखार बड़ा, ठाकुर साहब को क्रेडिट इसका जाता है। कोई इंस्पिरेशन आपके दिमाग में, ये कोई शख्सियत थी आशिक हुसैन प्ले करते वक्त, किसी को आपने कभी देखा हो, उसमें कोई क्वर्क हो, कोई नहीं, इस तरह एक तो की? हमने ये किया था कि हमने जब इसको बनाना था तो सोचा कि क्या हेयर पीस ऐड करेंगे, और वो सारा वजाहत के जहन में था। और फयाज भाई, द ग्रेट फयाज भाई, जो हर फिल्म का मेकअप, कौन सी फिल्म है जो फयाज भाई के बगैर नहीं होती, तो वो एक हमने ऐड किया और हमने उसकी वो एक लुक एंड फील देखी कि कैसा आता है। वो एक अच्छा इंटरेस्टिंग लगा कि इसको ऐसे करते हैं, और ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि मुबारक हो, आपने ट्रांसप्लांट करा लिया। मेरा मेरा दोस्त खावर, वो उसने हाँ भी ये कहा, उसने कहा अच्छा जी अब तो बाल लगवा लिए हो, तो मैं कहा चलो एंजॉय करो, अच्छी एंजॉय गाई। करो। हाँ तो वो एक अच्छा निकल आया। और मुझे याद है हमारे अभी बल्कि पिछले उनका इंतकाल हुआ है, जारून पीरज़ादा, जीसी में, गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे रावी नहीं थे, एक्टर भी रहे, उनके अब्बा जो है वो दिखने में ऐसे थे, अच्छा मैंने उनको देखा हुआ है, हाँ वो उनके भी पिछले दिन उनके उनके सफ़ेद बाल ऐसे थे, और उनके इस तरह से ना वो एक था, तो वो शबाहत में तो वो एक वो आया। लेकिन वो जैसे वजाहत ने ये कहा और साइमा ने ये कहा कि ये आप हैं, ये मुझे अच्छी ही नहीं लगी। लेकिन वो मुझे लगा कि हाँ, उन्होंने कहा कि इसको ज़रा अगर बढ़ाएं और आप एक अपनी उस चुलबुलाहट और उसके साथ में जाएं तो ये होगा। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था, मतलब कितना थैंक्स टू व्यूअर्स, देखने वाले। मैं आपको बताऊं आमना, मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ, मैं बहुत ही फॉर्चुनेट, जितना शुक्र मैं अल्लाह का अदा करूं वो कम है। इसलिए कि मेरे साथ के जो लोग हैं ना, जैसे तौसीक, फारूक हसन, तौसीक मेरे सीनियर हैं, फरा सादिया, ये सारे, फरा ने भी एक्टिंग की, तौसीक ने भी एक्टिंग की, फारूक ने भी एक्टिंग की, लोगों ने, उनको खुद भी डर लगने लगा कि अगर मैंने ये किया तो पता नहीं ये इमेज ये वो। आई मीन सो फॉर्चुनेट, मैं कैरेक्टर करता हूं तो लोगों को लगता है हाँ ये कैरेक्टर है, मैं खुद होता हूं तो लगता है वो खुद है, ना बिल्कुल मानते मैं क्या कर लेता। बिल्कुल सो अल्लाह की बहुत मेहरबानी, एंड आई थिंक ऑडियंस इज सो नाइस टू मी, वो मेरे लिए बहुत ही बेचारे जो है ना, आई वो थिंक दे मेरी गलतियों दे से कैन दरगुजर कर। आइडेंटिफाई अ गुड पर्सन। आई थिंक क्रेडिट गोज टू यू एज वेल एज एन एक्टर भी और डायरेक्टर भी। आपको जिस तरह इश्क जलेबी और खुदा और मोहब्बत के डायरेक्टर एक हैं, और वो विजन करना कि यार ये एक्टर है, ये किरदार भी कर लेगा और सुपर्ब भी करेगा, और जो आपका खुदा और मोहब्बत में किरदार है वो बिल्कुल फ़र्क है। इट्स लाइक पोलर ऑपोजिट्स, बट वो आपका अपना भी ऑफ कोर्स क्राफ्ट है और डायरेक्टर का भी विजन है, तो वो लक भी है फिर, नहीं सब भाई, कुछ, सब कुछ ही है फिर, ये मिल गया जरूर एक चैलेंज था। जैसे फिर। मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे लगा जैसे काशिफ के साथ जब मैं काम करूँ ना, मुझे लगता है अकरबा परवरी है, वो दोस्त है, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, मैंने भी उन्हें रख लिया, काफी लोग भी शायद ये समझते हैं हमारा सारा। मगर वजाहत के साथ भी मैं वो काम करता तो वो मुझे ये हाँ था, तो मैंने मैंने पहली बात यही कही, मैं कहा शायद ये तो अकरबा परवरी, आपने ये कहाँ से सोच लिया कि ये मैं कैसे करूँगा। हाँ कहते हैं नहीं पढ़ेंगे सर, वो मैं नहीं कह रहा, राइटर, आई टॉक टू, आई कॉल साइमा। मैंने कहा जी आप मुझे बताएं आपके क्या नेम। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो आपको देख आपको के ही लिखा देखा है। है। अब देख के लिखा मैं, और मैंने अंदर में हंसा और लाहौल मैंने पढ़ी, मैं कहूँ देख के करेक्टर लिखे जा रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए। तो लेकिन वो ये उनका ख्याल है,
और शुक्र खुदा का कि अगर आप शायद उन दोनों से बात करेंगे तो वो बहुत मुतमईन है और वो बड़े खुश हैं नहीं, और वो उनको बहुत खुश लगा हैं, कि एब्सोल्युटली। अच्छा है। इस जलेबी का बड़ा ओवरवेलमिंग फीडबैक हमें पर्सनली भी आया, क्योंकि बहुत हमारे ज़्यादा रिव्यूज़ के ऊपर बहुत लोगों ने इसके ऊपर बात की है, और उन्होंने बोला है कि हम क्योंकि चुपके चुपके की कास्ट के ज़्यादा इंटरव्यूज़ कर रहे थे, तो उनको लगा कि हमारा इनहेरेंट कोई बायस्ड है इस जलेबी के खिलाफ और चुपके चुपके के लिए। आपको क्या लगता है कि इस जलेबी की ऐसी क्या खसूसियत थी जो कि इतना लोगों ने उसको पैशनेटली उसके साथ कनेक्ट किया है? ऐसे एक पैशनेटली बिकॉज वो वाकई में उनका थोड़ा सा जो डिग्री थी ना कनेक्शन की, वो मुझे लगा कि ज्यादा थी। एक तो बीइंग पार्ट ऑफ द टीम, आई थिंक हैट्स ऑफ टू द प्रोडक्शन एंड वजाहत हुसैन। आपको अगर मैं इसकी लाइंस बताऊं, जिन टाइमलाइंस में ये रिकॉर्ड हुआ, आपको यकीन भी नहीं हमें आएगा। पता है डबल कैमरा शिफ्ट्स चल लेकिन रही थी, प्लीज और बताएं लोगों के इसलिए लिए। बताएं जैसे अब लोगों को। आप हैरान होंगे, जैसे अब मुझे ऐड ऑन से याद आया कि वो मैंने कहा कि वो तुम यहाँ बेला की बत्तियों वाले घोंसले में छुपी हुई, वो मैंने ऐड किया, वो एक उसमें से करके। तो वो आप हैरान होंगी कि वो जो जितना घर है उस पूरे घर को वजाहत ने सोचा, उसका कलर क्या होगा, सोफों का रंग क्या होगा, पोशिश बदलेगी तो कुशन का कलर क्या होगा, वो पेंट कैसे होगा। कभी आपने कभी गौर किया कि उस पूरी डेप्थ में अभी तक आपको ये नहीं पता लग सका कि किसका कमरा कहाँ है और कैसे है। वेरी इंटेलिजेंटली डन। तो माँ सिवाय क्या इसके कि ये घर आखिरी बार हमने दो बोल में देखा था। जी, और दो बोल भी वजाहत नहीं किया था। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये उन घरों में से, ये इट्स अ ह्यूज हाउस, चिश्ती हाउस, और ये घर जो है ये कभी किसी की समझ में नहीं आया कि इस पे कभी कोई किया जा सकता है कि नहीं यार, बहुत ही हाथी है और सारा और ये। तो वो वजाहत ने दो बोल में भी ट्राई किया और किसी को नहीं पता लगने दिया कि ये वो इस तरह है। घर भी एक कैरेक्टर था इस जलेबी में, क्योंकि अगर आप वार करें, इट वॉज ऑल अबाउट वो उसी की बेला शेयरिंग और वो मंजिल, सब, और फिर वो उसका मोहम्मद बूटा साहब का बनाया हुआ और उनकी बेगम के बिल्कुल नाम से बिल्कुल, जो, शीरी तो मंजिल हाँ शीरी विष्णु मंदिर। बाबा। तो वो बहुत कमाल की बात है कि उस थोड़े से टाइम में उस पूरी टीम ने फर्नीचर का हर चीज़ का काम वाम किया, पॉलिशिंग हुई, सब कुछ हुई, किसका क्या कैरेक्टर होगा किस तरह। और आपको ये भी मैं बता दूं, वो जो लोगों ने नोटिस किया वो भी बहुत क्लियर है, एक एक कैरेक्टर का लिबास और उसका रंग क्या होगा, किस सीन में कौन सा रंग होगा, किस तरह वो करेगा। वजाहत टुक वहाज टू शॉपिंग, एक बहुत बुरा जॉगर दिलवाया उसने कॉन्शियसली, और मैंने कहा ये क्या लेके आए हो, और टी शर्ट चाहिए खास, तो मुझे उसे भी नहीं समझ आ रही थी। वो देख रहा था इसलिए कि उसे उसामा का वही कैरेक्टर बात दिखाना है। था जिसके हाँ जॉगर्स ही बदलते रहने, हाँ और उनका कॉम्प्लेक्स भी है कि उसको देखें उसके पास क्या है। अब ये सोचने की बात है, ये डायरेक्टर करता है। और मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे ना एक जमाने में ये था, हमने वो भी टाइम देखा, जैसे मुझे याद है एक बार मैंने एक वो था अहमद कामरान का ड्रामा था शबे जिंदगी, आगा और मैं उसमें थे, वो अच्छा गया। तो उसके बाद ना एक वैसे ही एक और चैनल से आ गया, तो वही स्क्रिप्ट, और उसमें अब के उन्होंने मुझे बदल के दूसरी तरफ कर दिया। तो मैंने कहा बहुत सी तो अभी मैंने हाँ किया है, उनका छोड़े कौन देखता है। फिर मैंने कहा जब आप भी ये कह रहे हैं कौन देखता है, मतलब इसको मैं करने का। हाँ अच्छा वो शायद हमारे जैसे भी जज्बाती हो सकते हैं, जैसे अभी भी कभी बात होती है, वो मैं कभी कहता हूँ ना कि इतने सारे नहीं नूर भाई ऐसे ही चल रहा है ये, ठीक है आप हाँ ज़्यादा सोचा ना करें, कोई बात नहीं यही हाँ होता है, मुश्किल लगता है आपको, मन वैसे भी है जैसे एक दिन में दो शूट करा देना बहुत मुश्किल है। मुश्किल मैं होता है। एक आपको ज़रूर बताऊंगा, मुझे कमीनी सी खुशी भी हुई, एक दिन एक ऐसा सीन था कि हमें कयामत का एक सीन करना था और मैं इस जलेबी के सेट पे था। अब अली फैजान जो है वो भी एक मैजिशियन है, आप बंदे एक दूर से देखें और फिर कयामत देखें, आप जो कुछ मर्जी कहें उसने आपको हिलने नहीं देना वहां से, जहां दिल चाहेगा आपको मोड़ लेगा, जहां दिल चाहेगा वो एक होगा। और कैरेक्टर्स की डिटेल भी मिलेंगी, अटायर भी मिलेगी, एनवायरमेंट भी मिलेगी, वो सब कुछ होगा। यानी राशिद का जो कैरेक्टर एहसन कर रहा है, एहसन इज अ ट्रिमेंडस एक्टर, लेकिन क्या बात है अली फैजान की कि वो सोच के वो सारा, हमें बहुत दफा होता है नहीं बहुत ही अच्छा नहीं लगता ना करें आप, हाँ लेकिन किया हाँ तो वो उसको बहुत करे। तो वो एक सीन ऐसा था कि जिसमें मैंने ऊपर जाके तो वो इफ्रा को कहना है कि मेरी मेरी बहादुर बेटी, वो आफिया की बेटी है ना ये, अब मैं कॉमेडी करके गया हूँ वहां अभी से, अभी हुआ और है, पिछले हफ्ते मैं आया ये हाँ सीन। मैं निकला और मैंने कहा लिए कि ये कैसे। तो अच्छा अली फजान की आप चालाकी चेक करें, उसने मुझे कहा कि आपने अपने आंसू नहीं निकलने देने, जब्त कर रहे हैं आप, और नीलम को कहा तुमने रोना है, और हाँ हम दोनों को नहीं बताया कि क्या ब्रीफ है, मैं हाँ अपने ब्रीफ पे चल रहा हूँ वो अपने ब्रीफ पे चल, वो एक अजीबो गरीब निकला सीन। एंड कैन यू बिलीव इट, और ये बहुत देर बाद हुआ शायद,
मोमेंट भी जरा था अजीब। मैं वो सीन करने के बाद मैं 15 मिनट अली के गले लग के रोया, आई क्राइड लाइक एनीथिंग। और मुझे मतलब वो मुझे ख्याल आया कि यार ये किसी की भी सिचुएशन एक हो सकती है जिंदगी की।